the incident has left everybody, every single Mumbaikar, in a state of shock, because Baba Siddiqui ji was a known popular leader who was well known and very helpful person in the machinery of the government. The government is busy looting the state because they know there is an election close by, but aren't bothered about the law and order situation. It is absolute lawlessness, and I think every single delay from the Election Commission also makes Election Commission of India complicit in such kind of crime and such kind of loot that is happening in Maharashtra. इस तरह से आज उनको मार दिया गया, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर दशहरा की दो दो रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में, पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते, तो ये क्या आप दिखाएं? लोगों के दिल से भय निकल गया, लोग ये बोल दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 24 घंटे पहले जिस जिंदा दिल हंसते हुए सदा नेता के साथ हमने चाय पी थी एमसीए के पेविलियन में, आज वो नहीं है। पूरा परिवार सदमे में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है, और इसमें दो आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। एक आरोपी फरार है, ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है, तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है, और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे, और इस तरह से आज उनको मार दिया गया, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर दशहरा की दो दो रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में, पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं, तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया, लोग ये बोल दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे, तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। अब बांद्रा जैसी जगह पे पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई, अब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा, मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ, तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो सत्ता के अंदर आदमी है, जो सत्ता में था 8 महीने पहले, कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गढ़ को ज्वाइन कर लिया, उनका अगर सेफ्टी नहीं है तो वारिस पठान का क्या सेफ्टी है, एक आम नागरिक का क्या सेफ्टी है यहाँ पे? तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, और जो भी लोग इसमें पकड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए कि कायदा कानून बना रहे, जंगल राज नहीं चलेगा देश में। ये राज्य के अंदर चुनाव आने के पहले इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इसका सरकार को सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि प्रॉपर रिसोर्स, सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। द इंसिडेंट हैज लेफ्ट एवरीबडी, एवरी सिंगल मुंबईकर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, बिकॉज बाबा सिद्दीकी जी वॉज अ नोन पॉपुलर लीडर हु वॉज वेल नोन एंड वेरी हेल्पफुल पर्सन। फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन टू हिम हैज कम एज अ कम्प्लीट शॉक टू मुंबईकर, एंड मुंबईकर्स नाउ फियर फॉर देयर ओन लाइव्स। We are seeing a situation of utter lawlessness in the entire state and in the machinery of the government. The government is busy looting the state because they know there is an election close by, but aren't bothered about the law and order situation. We've seen the Badlapur incident, we've seen the Pune gang rape, and regularly we get these kind of updates. What is important to note is he was part of this alliance. He had warned that he has been getting these threatening calls. He was under Y category security, yet he was shot dead. What it goes to show is this: if someone who is in the police protection can get shot dead, what about the common citizen of Mumbai and Maharashtra? It is absolute lawlessness, and I think every single delay from the Election Commission also makes Election Commission of India complicit in such kind of crime and such kind of loot that is happening in Maharashtra. We had seen huge posters of Devendra Fadnavis when they had shot down Akshay Shinde, who was responsible for the Badlapur rape incident. Tushar Apte has already managed to get bail in one particular case. So it goes to show, he said he was Deva Bhau, there's Eka Bhau, there's everybody. What's happening now? It's a shame. 80s or 90s, mein aapne Mumbai, you would have heard that there was a dehshat ka mahol. We are seeing the same thing repeat again. It's a shame, and if I hold only two people responsible for it, one is the Chief Minister of Maharashtra, second is Devendra Fadnavis. देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये।
मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? और एक हाई प्रोफाइल नेता जिसके बॉलीवुड से कनेक्शंस हैं, जिसके राजनीति में इस समय मौजूदा सत्ता में कनेक्शंस शानदार हैं, जिसको सुरक्षा है, जिसका बेटा विधायक है, जो पूर्व विधायक है, मंत्री रह चुका है, वो व्यक्ति अगर दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि कम से कम महाराष्ट्र में इस तरह का कल्चर नहीं है, महाराष्ट्र में राजनीति में इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और मुझे लगता है कि ये इसी के साथ, इसी घटना के साथ महाराष्ट्र के चुनाव का आगाज भी सरकार करवा रही है। मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। मैं खुद बहुत हैरत में हूँ। बाबा सिद्दीकी साहब को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता रहा हूँ, उनके बेटे को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक व्यक्तिगत लॉस भी है मेरा। लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई का आम नागरिक, महाराष्ट्र का आम नागरिक कहाँ सुरक्षा है? ये भाजपा शासित राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या है? क्या सिर्फ भाजपा शासित गैर राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की घटनाएं ही जंगल राज में आती हैं? क्या भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं जंगल राज में नहीं आती? जिस तरह से गाड़ी पे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो हम लोगों के पास इनपुट है कि बॉडी ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था, इतनी बड़ी घटना पे सरकार क्या कहेगी, क्या मानेगी? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नहीं है? बहुत दुखद है, हम सब बहुत दुखी हैं इस घटना से। आनंद जी, आप परिवार से मिले हैं, परिवार मानसिक सदमे में है निश्चित रूप से, तो क्या बातचीत हुई आपकी परिवार से? इस दुख के घड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। राष्ट्रवादी के वो ज्येष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री थे बाबा सिद्दीकी, और कल ही जब सयाजी शिंदे जी का प्रवेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, मैं हूँ, हमारे युवा अध्यक्ष सूरज चव्हाण, हम तीनों ने मिलकर कॉफी पी थी, तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 24 घंटे पहले जिस जिंदा दिल हंसते हुए सदा नेता के साथ हमने चाय पी थी MCA के पेविलियन में, आज वो नहीं है। ये सोच के हमें सदमा लगा और पूरा परिवार सदमे में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ी है। आमदार जिशान सिद्दीकी से और परिवार के वकीलों से आपकी क्या बात हुई? हमने उनको सांत्वना दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब ने संपर्क उनसे किया, उनके लड़के पार्थ पवार भी दुख के घड़ी में परिवार के साथ अंदर बैठे हुए हैं, और हमारे नेता कल सुबह सिद्दीकी परिवार को मिलने आने वाले हैं। उनकी जान को खतरा था, इस बात का अंदेशा होते हुए सरकार ने उनको बाईपास की सुरक्षा भी दी हुई थी, तो कहीं सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है? बिंदुओं पे जांच होगी। जो शूटर्स पकड़े गए वो उनके पीछे का मास्टरमाइंड, राज्य के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं हॉस्पिटल में आए थे, उन्होंने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए हैं, और शूटर्स के पीछे का मास्टरमाइंड जल्दी पुलिस पकड़ ली। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है, और इसमें दो आरोपी अरेस्ट है ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है, ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है, तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहां पर रोक लगाएंगे, और यह केस भी जो है फास्ट्रैक में ली जाएगी, और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी।